तो हाय एवरीवन, दिस इज पारुल हियर, वेलकम बैक टू मैथ्स इजी। बच्चों, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यस, बिल्कुल वैसा ही होगा, बस आपको इसका कंसेप्ट रिवाइज करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री, 9.1 एनसीईआरटी के हिसाब से। ऑर्डर एंड डिग्री पे स्मॉल क्वेश्चन कोई बन सकता है, तो छोटा सा कंसेप्ट इसका समझना है। सेकेंड टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी 9.2 में। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3, जो कि डिलीटेड है तो आप उनको नहीं पढ़ना है। पता होगा कि चैप्टर 9 का मेजर कंटेंट जो है वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करना 9.4 में मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस मेथड से सॉल्व करना 9.5 में मिलेगा। लीनियर मेथड से सॉल्व करना 9.6 में मिलेगा। तो ये पूरा टॉपिक है, 9.3 छोड़ के ये सारे हमें जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मौजूद होते हैं। बोले तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स का टर्म हो, लाइक देख सकते हैं अपन कि मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखा है, इसमें वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वाई डिपेंडेंट है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के, तो एक्स इनडिपेंडेंट है। सीधे तरीके से मैं आपको समझाऊं तो वो इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव का टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स, डी ओमेगा वाई डी टी, कुछ भी हो सकता है, बस डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हो रहा है वो ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं कितनी बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। हायर डेरिवेटिव के टर्म में क्या पावर है, तो ये हायर डेरिवेटिव का टर्म है, इसके ऊपर क्या पावर है, 1 पावर है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी पावर तो 3 है, तो इसकी डिग्री तो 3 होनी चाहिए, बट बेसिकली हमें हायर डेरिवेटिव के टर्म में पावर देखनी है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिर्फ एक ही बार तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका ऑर्डर 1 और जो हायर डेरिवेटिव का टर्म है उसके ऊपर क्या पावर है, 3 पावर है, तो डिग्री 3। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं कि जो डेरिवेटिव का टर्म है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में फंसा हुआ है, लाइक साइन वाई डैश कॉस वाई डैश, मतलब डेरिवेटिव का टर्म ट्रिग्नोमेट्री में फंसा हुआ है या एक्सपोनेंशियल में फंसा हुआ है या लॉगरिथमिक में फंसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिए डिग्री डिफाइन नहीं होती है। हाँ, ऑर्डर आप वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे अपन फाइंड करते हैं, तो इसका ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है। तो बच्चों, 9.1 एक्सरसाइज अपन की कंप्लीट हो गई, बस इसी कंसेप्ट पे है। अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी वैल्यू निकालना उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका सोल्यूशन होता है। अब हमें 9.2 एक्सरसाइज में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं और उसके सामने कुछ y की वैल्यू रखी लिखी है, आपको बताना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो y की वैल्यू दी है उससे पहले y डैश निकालिए, e पार x का डेरिवेटिव e पार x ही होता है ना, फिर मैं इससे सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगी तो क्या आएगा, e पार x का, तो e पार x ही डेरिवेटिव होता चाहे जितनी बार करें। अब मैंने y डैश भी निकाल लिया और y डबल डैश भी निकाल लिया, अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश भी ई पार एक्स आया है और वाई डैश भी ई पार एक्स ही आया है, तो जब मैं इसमें रख देती हूँ तो 0 = 0 यानी LHS = RHS सेटिस्फाई हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये वाई की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि यस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज होगी, y is equal to cos x और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने क्या दे रखा है, y dash plus sin x equal to 0, ठीक। तो y से मैं पहले क्या निकालूंगी, y dash यानी कि dy by dx निकालूंगी, तो y dash cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है,
c का डेरिवेटिव 0, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देख सकते हैं, y के वैल्यू से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, यानी कि y की ये वैल्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम कहेंगे कि यस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 9.1 एंड 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, इन छोटे छोटे से दो कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। बात करते हैं 9.3 की, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। तो तीन एक्सरसाइज के बाद अब सीधे आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन निकालने का मतलब हमको इससे वाई निकालना है। अब मुझे बताइए, डी वाई बाई डी एक्स से आप वाई कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से। तो हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी करना इंटीग्रेशन है। और हर बार इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं ना। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से y की ऐसी वैल्यू देते हैं जो कांस्टेंट c के फॉर्मेट में होती है, वो कहलाती है जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम किसी मेथड से x y की कुछ वैल्यू रख के इस c की वैल्यू निकाल पाते हैं और वापस जनरल सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिसमें कि c नहीं होगा, वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, लेकिन बेसिकली हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो क्या बताया मैंने कि डिफरेंशियल इक्वेशन से y निकालना हमारा इंटेंशन है, मेन मोटिव है इंटीग्रेशन करना, लेकिन हर बार इतना आसान सिचुएशन नहीं होगी। हमारा फंक्शन कैसे है, क्या हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो यानी कि हमें हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन है। वो क्या, कि कभी भी हम अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास साइन x है तो मैं dy नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो जो हमारी फर्स्ट मेथड है वो बस इसी के लिए है कि हमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी x के फंक्शन को dx की तरफ लाना है, y के फंक्शन को dy की तरफ। जब ऐसा हो जाएगा तो हम फंक्शन का कर देंगे फटाफट से इंटीग्रेशन और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, पहली मेथड जो वेरिएबल सेपरेशन है वो वेरिएबल को अलग अलग करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने पहला डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है 9.4 का, इसकी हेल्प से हम मेथड समझेंगे। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, कहेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप सबसे पहले इसको ट्राई करोगे कि इसका एक्स अलग और वाई अलग हो जाए। तो चूंकि वाई का तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, तो डी वाई को हम यहाँ रखेंगे और जो डी एक्स का टर्म है उसको इस एक्स के फंक्शन की तरफ भेज देंगे, यानी कि डी एक्स चला जाएगा इधर। ठीक है, वेरिएबल देख सकते हैं सेपरेट हो गए। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। अब इसके बाद ये डिसाइड होगा कि भाई इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसा फंक्शन है, वैसी मेथड लगेगी इंटीग्रेशन की। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं ऐसे फंक्शन को, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको इजी करना होगा। बाय द वे dy का इंटीग्रेशन y, यहाँ लगाइए ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस इज 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। हमें 10 स्क्वायर का इंटीग्रल तो नहीं पता है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं इसमें sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में। तो इस तरह से अब ये जो फॉर्मेट मिला है इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, कर दीजिए इंटीग्रेशन। y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स होता है 10x, लेकिन ये sec स्क्वायर x नहीं है, sec स्क्वायर x बाई 2 है। तो x बाई 2 के डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 2 इधर आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो ये जो आया है ना, ये क्या है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें
कॉन्स्टेंट के फॉर्मेट में हमने आंसर दिया है। तो बस यही करना है आपको बाकी के क्वेश्चंस में। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, वेरिएबल सेपरेट करने होंगे एंड कर लेना होगा इंटीग्रेशन। ये जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई। अब हमारा इंटेंशन है y के साथ dy ले जाना, x के साथ dx ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन वन माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, उधर भेज दो। अब वैसे x का कोई और टर्म तो है नहीं, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए आपको ये लिख लेना है कि वेरिएबल्स आर सेपरेटेड सो ऑन इंटीग्रेटिंग। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रल ऑफ dx, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड वन माइनस वाई, फिर एक माइनस भी आएगा वन माइनस वाई के डेरिवेटिव से डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, लेकिन हम लिखेंगे लॉग सी। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि अगर जो आपका सोल्यूशन आया है उसमें लॉगरिथमिक टर्म है तो आप लॉग सी ऐड करेंगे, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, टर्म जो है नेगेटिव है तो ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस लॉग सी प्लस लॉग वन माइनस वाई, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा लॉग m प्लस एन, तो ये हो जाएगा c इंटू वन माइनस वाई, c इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब c इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग को जब हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तो ई पार माइनस एक्स। चाहे तो हम ये यही छोड़ दें, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, और या फिर हम c को भेज दें उधर, तो वन अपॉन c एक नया कांस्टेंट a बन जाएगा, और ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ये एक इसका सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। तो क्या समझ में आया, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारे थर्ड क्वेश्चन, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी हमारा सिक्स क्वेश्चन है dy by dx equal to 1 plus x square 1 plus y square, तो dy by dx इज इक्वल टू, तो देखिए y का टर्म हमको इधर ले आना, तो y का टर्म मैं dy के पास लेके आ जाऊंगी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx उधर लेके जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड सो ऑन इंटीग्रेटिंग, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, आप ऐसे ही हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रल क्या होगा x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई थ्री प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो ये है इसका सोल्यूशन, आप चाहो तो tan को उधर भी भेज सकते हो। तो ये है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो पूरी 9.4 आपको इसी मेथड से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली मेथड की ओर। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की सेकेंड मेथड की ओर। अब सवाल ये उठता है कि हम सेकेंड मेथड कब लगाएंगे, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके हर एक टर्म में सेम पावर हो। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, इस मेथड को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे हर टर्म में जो है ना सेम पावर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई सेम पावर है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो सकते, यानी कि हम लास्ट मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कि वो होमोजेनियस हो, और ऑफिशियली इसको प्रूव करने का तरीका है कि x की जगह अगर हम लैम्डा x रख दें, y की जगह हम अगर लैम्डा y रख दें, तो लैम्डा की कोई पावर बाहर आ जाए और फंक्शन सेम आ जाए, यानी कि ये एक तरह से ऑफिशियल वे है होमोजेनियस प्रूव करने का। लेकिन पहचानने का तरीका वही है कि हर एक टर्म में अगर x y की सेम पावर है तो वो होमोजेनियस है। तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए एक स्टेप याद रखिएगा। एक सब्सटीट्यूशन होता है y इज इक्वल टू वी एक्स, वेरिएबल y को हम v में चेंज कर रहे हैं। जब y बदला है तो dy बाई डी एक्स भी बदलेगा, फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिल जाएगा। यानी कि ये दोनों जो सब्सटीट्यूशन है ना, y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये पूरे हर एक क्वेश्चन में जिसमें कि वो होमोजेनियस हो हमें रखना होता है। अगर y इक्वल टू वी एक्स है तो y बाई एक्स v होगा। अब हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम dy वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
2xy यानी कि dy by dx is equal to माइनस साइन अंदर कर दीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें y की वैल्यू रखनी है vx। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखना dy by dx निकालिए और y की जगह vx और dy by dx की जगह v plus x dv by dx रख दीजिए, ठीक है। तो हमने इसमें रख दिया तो कितना हो जाएगा, v इस साइड हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और इधर क्या हो जाएगा y की जगह वी एक्स रखना तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x y की जगह वी एक्स, ठीक है। तो यह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2 वी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा जो उसके पास v को उधर लेके जाइए तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी बचा है और प्लस v को मैं उधर लेके जा रही हूँ तो माइनस v। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन, टू वी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाता है एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वी स्क्वायर। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना है यानी वी के फंक्शन को डी वी की तरफ ले जाना है तो क्या आएगा टू वी अपॉन ये टर्म नीचे जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा डी वी और बाकी जो डी एक्स अपॉन एक्स है उसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे लेकिन चेंज क्या है कि अब वाई की जगह वी है, वाई की जगह वी है, ठीक है। वेरिएबल्स आप सेपरेटेड नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग। तो वन प्लस वी स्क्वायर को अगर हम डी मान लें तो टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग टी होता है इज इक्वल टू यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगी तो कितना हो जाएगा लॉग सी बाई एक्स, ठीक है। लॉग से लॉग कैंसिल टी इज इक्वल टू सी बाई एक्स एंड जैसे इंटीग्रेशन हो जाए आप टी की वैल्यू वापस रख दो। व्हाट इज टी, टी की वैल्यू क्या है ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स और लास्ट में हम लोग जब पूरा सॉल्व हो जाए वी की वैल्यू वापस कर देते हैं। वी क्या रहता है वाई बाई एक्स तो यह आ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इज योर सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। अब जब किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना तो सिर्फ क्या चेंज आएगा कि वो लोग कुछ एक्स और वाई की वैल्यू देंगे, शुरू में ही दिया रहता है x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, उसको यहाँ पे रख देना। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब c की वैल्यू 2 इस जनरल सोल्यूशन में रख देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। बच्चों ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 9.5 में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसे दिखेंगे, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है। जैसे कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें वेरिएबल में y बाई एक्स मिलेगा और कुछ में x बाई वाई। तो आपको याद रखना है कि x बाई वाई वाले क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 9.5 में तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि y बाई एक्स हमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हैं तो इसलिए इन्हें आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dy बाई dx की वैल्यू सबसे पहले आप निकालेंगे। जैसे ही आप dy बाई dx निकालोगे आपको पता चलेगा ये होमोजीनियस है क्योंकि हर एक टर्म में सेम पावर है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है इसलिए y इक्वल टू vx रखेंगे। लेकिन यहाँ y तो है नहीं, लेकिन यहाँ y के साथ साथ y बाई एक्स भी है। तो आपको क्या करना है y इज इक्वल टू vx और y बाई एक्स की जगह v रख देना है। जैसे ही आप ये करोगे और एक या दो स्टेप के बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाएगा यानी कि v का फंक्शन
dv के साथ आ जाएगा और x का फंक्शन dx के साथ आ जाएगा और फिर दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यानी कि डिफरेंस सिर्फ इतना है ऐसे क्वेश्चंस में कि y बाई एक्स नज़र आ रहा है, इसके लिए इसलिए उसमें y बाई एक्स की जगह v रख देना है, दैट्स ऑल। तो इसके तीन क्वेश्चंस हैं और भी कुछ क्वेश्चंस आप, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लीजिए। तो ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप थ्री की ओर। डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड टाइप होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्मेट में दिया हो, dy/dx = py = q, यहाँ पे दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस रहते हैं, dy/dx + py = q। अब ये p और q क्या है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग होंगे। याद रखिए p और q कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें y नहीं होना चाहिए। दे आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। यानी अगर हम y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो p और q में y नहीं होना चाहिए, वो या तो x के फंक्शन हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिया हो, इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। एज कंपेयर टू होमोजीनियस इट इज़ क्वाइट ईजी। आपको सिर्फ दो स्टेप याद रखने हैं। पहले स्टेप में आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से p उठाना है, p को रख देना है इस प्लेस में, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e^(p/dx). यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से p उठाइए और इस जगह पर रख दीजिए, तो आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आधा काम हो गया। जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, नाउ यू कैन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, y(integrating factor = ∫ (q/dx). यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने यहाँ से निकाला था, उसे आप यूज़ करके दो बार यूज़ करेंगे और जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये आपको याद रखना है, y(integrating factor = ∫ (q/dx). ये दो स्टेप से आप आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि p क्या है, y का कोफिशियंट p और q क्या कहलाता है जो राइट हैंड साइड में है। तो हम देख सकते हैं कि बना बनाया लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें, तो हमने तुरंत p और q लिख लिए। इसके बाद हम तुरंत बढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ओर, जो कि होता है e^(p/dx). तो p हमारा 2 था, मतलब e के ऊपर पावर में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x, c वगैरह ऐड नहीं करना। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y(integrating factor), पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, = ∫ (q/dx). अब आप जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हैं वो रख देंगे, तो e^(2x) = ∫ (e^2x)(sin(x)dx). अब यहाँ से हम लोग बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बताएं इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बाई पार्ट में हमने पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल को आप सेकेंड फंक्शन मानते हो और साइन एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान के इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही है जनरल सॉल्यूशन। यानी कि सिर्फ दो स्टेप्स याद रखने हैं, पहले स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, दूसरे में हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यानी कि जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बना बनाया इस फॉर्मेट में मिल जाए अगर, तो हम बहुत आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन 9.6 एक्सरसाइज की अगर बात की जाए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें हमें लीनियर के फॉर्मेट में पहले बदलना होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक PYQ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इससे समझा रही हूँ। आप NCERT के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार अगर आप समझ गए तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो ये लीनियर के मतलब जैसे प्लस वाई, आप देखना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में समझ जाना कि वो लीनियर हो सकता है या लीनियर बन सकता है या लीनियर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लस वाई है,
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, dy by dx के बगल में कोई भी टर्म नहीं होती है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस जब भी आप किसी क्वेश्चन में देखना कि जो लीनियर जैसा दिख रहा हो लेकिन dy by dx के बगल में कोई टर्म हो, किसी में sec स्क्वायर x हो, किसी में cos स्क्वायर x हो, किसी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो उसी टर्म से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन बोथ द साइड। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 10 इन वोस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप p और q को पहचानिए कि p क्या है और q क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं p इज y का मल्टीपल p होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज p, एंड q क्या है, e टू द पावर 10 इन वोस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज q। p और q जैसे ही हमें मिल जाए हम तुरंत पहला स्टेप करेंगे इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की वैल्यू हमने रख दी है, अब कर दीजिए इंटीग्रेट। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेनवर्स x होता है। ये स्टेप हो गया, अब जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। अब q क्या है, राइट हैंड साइड वाला, तो e पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन करना है इसमें e पावर 10 इनवर्स x को अगर हम t मान ले तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फिर कर दे डिफरेंशिएट, तो e पावर 10 वर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 10 वर्स x ही होगा इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 वर्स x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू dt by dx। तुम यहाँ पे देख सकते हैं कि e पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। तो अब हम पूरा अपने इंटीग्रल में इसे रख देते हैं, तो e पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे आपने t माना है और बाकी जो पूरा है वो dt हो गया। देखिए कितना इजी हो गया, तो t का इंटीग्रल क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 होता है ना प्लस c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका y इंटू e पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t क्या है, e पावर 10 इनवर्स x। तो ये आपने सॉल्व इसे कर लिया है। तो इस तरह से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्टिबल है। तो ये है हमारा चैप्टर 9 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। होपफुली आप समझ पाए होंगे। इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए कमेंट में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसको क्लिक करके आपने डिटेल वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।